अलवर शहर में नगर परिषद द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था को चार भागों में बांटा गया है। इसके लिए चार कंपनियों को 80 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद शहर में हालात बद से बदतर हैं। शहर में जगह जगह गंदगी का ढेर नजर आता है। शहर में नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। ये हाल तो तब है जब बारिश का मौसम सर पर है। अगर नाले साफ नहीं हुए तो बरसाती पानी के साथ नाले की गंदगी भी सड़कों पर आएगी, लेकिन नगर परिषद के आला अधिकारी और बोर्ड दोनों ही बेपरवाह नजर आ रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात तो सभी करते हैं, हर विभाग में इसके स्लोगन भी नजर आ जाते हैं। शहर में मुख्यतः सफाई का जिम्मा नगर निकायों का होता है। ऐसे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान एक मिशन के रूप में शुरू किया, वहीं भाजपा शासित निकाय बोर्ड की प्राथमिकता भी स्वच्छ भारत होनी चाहिए थी, लेकिन अलवर में हालात इसके उलट नजर आते हैं। यहां नगर परिषद में बोर्ड भाजपा का है, लेकिन शहर में सफाई के नाम पर बुरा हाल है, जबकि सफाई के नाम पर 80 लाख रुपए से ज्यादा प्रति माह खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में नालों पर अगर नजर डाले तो वो गंदगी से भरे पड़े हैं। नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता नरेंद्र मीणा ने सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सरकार का ढोकला दिखावा रह गया है इसमें। आप देखो नगर परिषद का प्रशासन जिस तरह से यहाँ कार्य कर रहा है, सफाई आप कहीं भी ऐसी जगह ये बता दे चिन्हित करके कि भाई यहाँ रोज की सफाई हो रही है। आज 80 लाख तक का बजट इन्होंने पहुँचा दिया, 80 लाख से ज़्यादा का ये, और इन्होंने चार जोनों में भी पैसों को बांट के देख लिया, तो ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आमजन इतना ज़्यादा परेशान है इनकी कार्यशैली से, इनकी कथनी से, इनकी करनी से। आप ये देखिए कि ठेकेदार एक जोन का दूसरे जोन में, दूसरे जोन का तीसरे जोन में, एक दूसरे आपस में कूड़े एक दूसरे पर डाल रहे हैं। आप हालात ये देखिए कि कहीं भी मतलब सफाई का हो तो इनके पास लेबर की बड़ी समस्या आ रही है, लेबर नहीं पहुंच पा रही है पूरी। लेबर का आप ये देखिए कहीं 10 आदमी पहुंच रहे हैं तो कहीं 4 आदमी पहुंच रहे हैं, कोई इनका सुपरविजन नहीं है। सुपरविजन के मामले में बिल्कुल ये फेल होते जा रहे हैं, इतना बुरा। और मॉनिटरिंग सभापति महोदय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बारिश का मौसम भी बन रहा है, बारिश भी आएगी, बारिश का अभी रहा, अभी जिस तरह से आपात इसका आया था, जिस तरह से भयंकर तूफान आया, उसके बाद जिस तरह से अलवर शहर के हालात बने, आप देखिए कि जगह जगह नाले रुक गए, जगह जगह पेड़ टूटे, जगह जगह इनके पास किसी तरह का प्रबंध नहीं था, कोई नाले साफ नहीं थे। और उसके बाद अब जिस तरह से मानसून आने वाला है, मानसून में जिस तरह से नालों की सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, और उस नालों की सफाई ना होने के कारण आने वाले टाइम में जगह जगह बाजारों में पानी भरेगा, जगह जगह शहर के अंदर महामारी फैलेगी, गंदगी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगी। उसको इनको तुरंत सफाई करानी चाहिए थी, पर नहीं हुआ, और सिर्फ उसके नाम पे पैसा उठाया जा रहा है। अब बहुत बड़ी विडंबना है हमारे नगर परिषद की, नगर परिषद प्रशासन की, सभापति कमिश्नर की, मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। कार्यशैली से इनकी इतनी गंदी हो चुकी है, काम करना चाहते नहीं। हालात बहुत बुरे हैं शहर के सफाई के मामले में। इन्होंने बदलाव का प्रयास किया पर बदलाव इनका सफल नहीं हो पाया। उधर उपसभापति शशि तिवारी से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि शहर में पूरी साफ सफाई है। उनसे जब नालों में गंदगी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि नालों में गंदगी नहीं होगी तो और क्या होगा। नाले में तो गंदगी ही मिलती है, नाले में आपको फूल तो नहीं मिलेंगे, सफाई तो नहीं। नाले में तो गंदगी ही मिलती है, नाले में आपको फूल तो नहीं मिलेंगे, सफाई तो नहीं। नाले में तो गंदगी ही मिलती है, नाले में आपको फूल तो नहीं मिलेंगे, सफाई तो नहीं होगी। सुना आपने, नाले में गंदगी नहीं होगी तो क्या होगा। जी हाँ, 80 लाख रुपए प्रतिमाह खर्च करने के बाद भी आखिर मैडम क्यों ठेकेदारों की तरफदारी कर रही हैं? उन्हें चाहिए था कि शिकायत पर तुरंत ठेकेदारों को सफाई के लिए बोला जाना चाहिए था।